चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जयेंद्र। नए जरा हटके में आज आपके पास लाइव आए हैं। आज बनाने की खास बात, स्वस्तिक कैसे बनाएं। महज आड़ी तिरछी चार पांच लाइनें खींच दी और स्वस्तिक बन गया। क्या केवल यही है स्वस्तिक, यही होता है शुभ स्वस्तिक? आज हम इसकी बात करने आए हैं। यह स्वस्तिक बहुत प्राचीन परंपरा से बनता आ रहा है। कब से आ रहा है इसका कोई लिखित इतिहास तो नहीं मिलता, पर इतना मालूम है 1863 में हेनरी ने जब इसका प्लस का निशान निकाला तो वह स्वस्तिक से निकाला। वह पहचान निकाला था रेड क्रॉस के लिए कि डोंट शूट दैट, जिस पर ये लग रहा है सफेद के ऊपर लाल रंग का एक क्रॉस बन रहा है उसको शूट मत करना, इसलिए शांति का प्रतीक था। अब अस्पताल पर, डॉक्टरों पर, मेडिकल में हर जगह प्लस का निशान आ गया है कि शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर को सही रखने के लिए यह निशान है। और जब उसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो हम शरीर से अब आत्मा के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी बहिरंग से अतरंग पहुंच जाते हैं। और वह हमारे लिए कहता है कि आत्मा के स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा को इस जन्म मरण के चक्कर से निकालने के लिए, आत्मा को इन चार गतियों से निकालने के लिए, 84 लाख योनियों से निकालने के लिए यह स्वस्थ एक शुभ संदेश बनाया जाता है। पर क्या महज बनाना ही काफी है? लेकिन महज बनाना काफी नहीं है, मन वचन काय में भावना भाना है इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम वह बात करने आए हैं। चार पांच लाइनें बरसों से बनाती आ रहे हैं लेकिन उसको हमने महत्व कभी समझा ही नहीं कि कैसे बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए और कहां बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, क्या क्रम है उसका बनाने का। कहा तो जाता है कि जैसे मर्जी बनाए, स्वस्तिक का शेप दे दिया, लेकिन कई बार आया है तो देखा है हमने कई सोशल मीडिया में, उंगली नहीं उठनी चाहिए, हाथ नहीं उठना चाहिए, पैर नहीं उठना चाहिए, स्वस्तिक इस तरह बना, बहुत तरीके का है। आज इसी के गहन हमने अंत किया है कि जैन शास्त्रों के अनुसार स्वस्तिक को किस तरह बनाएं, किस तरह हम अपनी परतंत्रता जो हमारी आत्मा की है कषाय के अंदर बनी हुई है, कैसे इसको मुक्ति दिलाएं, इस स्वस्थ के रूप से कैसे बनाएं और क्या भावना भाएं, आज के एपिसोड दिखाते हैं आपको उसको। जरा आज के स्वस्थ कैसे बनाएं और क्या भावना भाएं आपके लिए आज के एपिसोड। स्वस्तिक हमेशा शुद्ध हाथों से बनाएं। यह पूजन की थाली, ठोना, झारी, जल चंदन के पात्र पर बनाया जाना चाहिए। ठोने पर कुछ लोग श्री भी बनाते हैं, पर आचार्य जयसेन जी ने प्रतिष्ठा पाठ में ठोने पर बनाने का स्पष्ट लिखा है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, जी हां, यही इस उंगली से स्वास्तिक बनाया करें। लौंग से भी आप वैसे स्वास्तिक बना सकते हैं। हम जो भी लकीरें खींचते हुए स्वास्तिक बनाते हैं तो मन में भावना भाते हैं कि तभी हम मन वचन काय को एक करते हुए अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए कि हे भगवान, अब इस त्रस नाली से, निगोद से स्वर्ग तक की मैंने अनेकों बार यात्रा की है। फिर बाएं से दाईं तरफ इस तरह बढ़ते हुए भावना भाते हैं कि हे प्रभु, अनादि काल से चारों गतियों की 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता रहा हूं, इस संसार में गोते खाता रहा हूं। यह आपका वैसे मेडिकल का चिन्ह भी बन गया, यानी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हो गई। पर अभी हमें यही नहीं रुकना, अब दाएं कोने से नीचे की ओर बढ़ते हुए चिंतवन करें कि अनेकों बार खोटे कर्म करके अधोगति, यानी पहले से सातवें नरक तक गया हूं और अब इस नरक गति के चक्कर से निकलना है। इसलिए हे प्रभु, ऐसी शक्ति देना कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूं कि अब नरक गति में जाना पड़े। ऐसे दुख कष्टों की से मुक्ति चाहता हूं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। अब नीचे से बाईं तरफ बढ़ते हुए यही चिंतन करें कि अनेकों बार छल कपट करके त्रियंज गति में गया हूं, गदा बना हूं, घोड़ा, हाथी, चीटी, मच्छर, पता नहीं क्या क्या नहीं बना हूं। अब इस छोर से भी मुझे बाहर निकलते हुए यह भावना भानी है कि अब ऐसा कोई कार्य नहीं करूं जीवन में कि पुण्य कभी त्रियंज गति में मुझे जाना पड़े। प्रभु, मैं ऐसा संकल्प करता हूं। अब बाएं से ऊपर की ओर जाते हुए यह चिंतन करें कि कई बार अच्छे कार्य किए, शुभ भाव रखे तो मैं देव गति को भी प्राप्त हुआ, पर यहां से भी मुझे बाहर निकलना है। प्रभु, मुझे अब देव नहीं बनना क्योंकि उसमें संयम तो होता ही नहीं है और अब मैं असंयमी नहीं होना चाहता। अब ऊपर से इस तरह दाईं तरफ से बढ़ते हुए चिंतवन करें कि मैंने कई बार व्रत धारण किए, शुभ कार्य किए, तप त्याग किया और यह मनुष्य पर्याय पाई है जिसमें मैं आज हूं। अब इससे भी मुझे बाहर की ओर निकलना है। प्रभु, यह भावना भाते हुए कि अब मैं उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए संकल्प करता हूं, अब तक 84 लाख योनियों में चल रहा परिभ्रमण मूलतः अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह और विषय कषाय के कारण हो रहा है। अरे, अभी यह शुभ स्वस्तिक आपका पूरा नहीं हुआ। ऊपर से क्लॉक वाइज रूप में अब हम चार बिंदी लगाते हैं, जो अज्ञान मिटाने का संकल्प करने की भावना के साथ पहली बिंदी, प्रथमा नियोग,
दूसरी बिंदी करुणा योग, तीसरी बिंदी चरुणा योग और चौथी बिंदी द्रवण योग का प्रतीक लगाते हुए हम इनका स्वाध्याय करूं ऐसी भावना भाते हैं। और अभी स्वास्तिक के ऊपर तीन बिंदिया यह दर्शाने के लगाते हैं कि चारों गतियों के चक्कर से छूटने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को मैं प्राप्त करूंगा। और इसके ऊपर अंध्र चंद्राकार बनाते हुए यह भावना भाएं कि रत्नेत्र की पूर्णता करके सिद्ध शिला पर जा पाऊं और यह सिद्ध क्षेत्र सर्वार्थ सिद्धि विमान से 12 योजन ऊपर इष्ट प्रगार आठवीं भूमि के ऊपर है। और फिर चंद्रमा के ऊपर यह बिंदी अंतिम भावना का प्रतीक है कि इस अंतिम परम लक्ष्य, परम लक्ष्य जो मेरा है पंचम गति यानी सिद्ध पति को पाऊं, यानी नरक त्रियंच देव मनुष्य को छोड़कर पंचम सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाऊं। और यह बन गया आपका पूर्णतः शुभ स्वास्तिक। 5 सेकंड में बनने वाले स्वास्तिक को हमने बनाने में 250 सेकंड लगा दिया आपको बताने में कि कैसे बनता है। हाँ, अब बना लेंगे इसे 5-6 सेकंड में, लेकिन अब जब बनाएंगे आप तो कुछ भावना भाएंगे साथ में कि प्रभु मैं बहुत बार नरक में गया हूं, त्रियंच में गया हूं, देव गति में भी गया हूं और मनुष्य गति में भी रहा हूं जो इस बार हूं, लेकिन ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा, संसार चलता रहेगा, 84 लाख युग में घूमता रहूंगा क्या मैं, प्रभु मुझे भी इससे मुक्ति का द्वार चाहिए। यह भावना बाता हूं मैं इन लकीरों को खींचकर किस तरीके से मैं नरक से हटके, त्रियंच से हटके, देव से हटके, मनुष्य गति से भी हटना चाहता हूं। मैं संयमी होकर व्रत धारण करना चाहता हूं, मैं भी चारों अनियों को स्वाध्याय करना चाहता हूं, मैं भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की भावना भाकर मैं भी सिद्धालय में आना चाहता हूं। प्रभु आपकी भावना भाने के साथ इस स्वस्ती को बनाएं, भावना भाएं, शुभ जगह जब भी लगते हैं उस स्वस्ती को बनाते हैं। कोई लोग वही खाते तक में बनाते हैं, कई अच्छी जगह बनाते हैं, और जब आप पूजा करते हैं तो थाली पर तो बनाते ही हैं। बनाइएगा, भावनाओं के साथ बनाइएगा। इस बार कहते हैं स्वस्तिक से अगर भावना निर्मल भाव से बनाएंगे तो कहते हैं कि चमत्कार इन्हीं चीजों से होता है जिस नमस्कार से भावना भाने से होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। आपके साथ चैनल महालक्ष्मी कोर्स, आप सबको सादर जय जिने।